मत क्या कर दे इस जैसा, ठीक है बस सच होता है भाई। बस गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप लोग कहीं भी घर से बाहर जा रहे, घर पे बता के जाए, फैमिली है गाइस आपकी, हो यार ऐसा मत कीजिए प्लीज। हमारी तरह लबाड़ मत बने, देश से लास्ट बार है, इसके बाद ये हरकत की मैं नहीं सहन करूंगा भाई। ठीक है भाई, लास्ट बार, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हम जा रहे कश्मीर और हमने किया है अपना नया YouTube चैनल शुरू जिसका नाम है उज्ज्वल और युगांतर। उज्ज्वल ये मेरे साथ रहा। हेलो गाइस, और तो आज हम 700 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे यहाँ से शिमला से कश्मीर के लिए। तो ये रहा हमारे साथ देश्टा, हमारा तीसरा पार्टनर, खास दोस्त है हमारा। सामान कुछ इस तरीके से डाला हुआ है। तो और ये देश्टा है हमारे साथ। देश्टे हेलो। हेलो, अरे यहाँ पे दो बैग्स है, बाकी सामान सारा पीछे डाल रखा है। तो चलते हैं फिर, गिर गया था नीचे, डिक्की बंद करते हैं। अब आपसे आगे मिलते हैं जहाँ भी अगला पहुँचेगा। तो ये शिमला की वादियाँ हैं थोड़ी बहुत, और ये रहा उज्ज्वल। सो गाइस मिलते हैं आपसे आगे, बाकी हम आपको जो भी होता रहेगा बताते रहेंगे इस ट्रिप के बारे में, जैसे जैसे हम पहुँचते रहेंगे, जहाँ जहाँ भी हम जाते रहेंगे अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, जो जो होता रहेगा, लोकेशंस वगैरह सब बताते रहेंगे, कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, बाकी मिलते हैं आपसे। पहुँच चुके हैं सोलन, अब यहाँ से जाना है हमें चंडीगढ़ के लिए और वहाँ जाके हमें कुछ शॉपिंग करनी है, बाकी आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो हम पहुँच चुके थे और ये हमारा सामान है, ये टेंट है, ये टेंट और ये स्लीपिंग बैग। अब इसके बाद हम निकलते हैं आगे की ओर, बाकी आपसे मिलते हैं आगे। इसके बाद ये अभी हम पहुँचे हैं लुधियाना, अब हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। क्यों भाई लग रही है? और यहाँ आसपास कोई भी ढाबा नहीं मिल रहा हमें, 20 किलोमीटर से ज्यादा हो गए शायद, बहुत ज्यादा हो चुके हैं, 20 से ज्यादा हो गया भाई। पर यहाँ पे कोई ढाबा नहीं है गाइस, देखते हैं आगे जाके अगर कुछ, जो भी हाईवे में आता है अमीर आदमी ढाबे आगे जाके देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते भाई, क्या करेगा बता। तो अब 600 किलोमीटर आ गए, हम यहाँ पहुँच चुके हैं ढाबे में, फाइनली हम पाल दे ढाबे में, लाल दे ढाबे में पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी भूख लग रही थी, एक घंटा लग गया कम से कम यहाँ पहुँचते पिछली क्लिप के बाद, और अब देखते हैं यहाँ पे कुछ मंगवाते हैं, आपको उसी हिसाब से बताते हैं हम क्या खा रहे हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो भाई हमने खुलासा करना है इस आदमी से रिलेटेड, तो जो ये यहाँ पे घूमने आया है, घर पे झूठ बोल के आया है यहाँ पे हमारे साथ घूमने, बताओ कहाँ से आए हो आप और क्या करने आए हो यहाँ? जल्दी बताओ। शिमले से कहाँ के लिए जा रहे थे आप? किन्नौर के लिए? ये किन्नौर तो नहीं है, किन्नौर पहुँच जाएंगे, कब धीरे घूम फिर के। सच सच बताइए आप कहाँ से आ रहे थे और क्या खाना गोल है भाई जी, गाइस बताओ क्या है, क्या खाया जाए आप बताओ, क्या कमेंट करके बताओ हमें क्या खाना चाहिए। जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे उसको हमारी तरफ से या लाल दा ढाबा में खाना चाहिए। मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा गाइस, प्लीज ऐसे झूठ बोल के मत आए प्लीज, गाइस मुझे भी देखो यार, मैं हर बार सच बोल के आता हूँ, आप लोग जानते हो शादी में आए बंदे यार, शादी में लास्ट बार, ठीक है ये सब कुछ है। युगांतर बताएगा तो उसके बारे में कुछ, मैं तो गंदे इंसानों से बात ही नहीं करूंगा, लास्ट है, लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो कि झूठ बोले, घर से झूठ बोल के आए, इसको हम वापसी छोड़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीर में छोड़ के आएंगे इसको दीपक लाल के पास। इसका फैन है वो बंदा, बाकी मिलते हैं फिर आपसे आगे, बताते रहेंगे आपको क्या। ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं पठानकोट, जैसे कि आप देख सकते हो, और टाइम हो रहा है 5:04, तो हम सुबह 8 के निकले हैं और हमने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर दिया, और यूजुअल और देश्टा उसी पोजीशन में जिसमें सुबह थे, और आपसे मिलते हैं आगे जाके। अब हमारा नेक्स्ट है कश्मीर, आज का स्टे वही होगा हमारा कश्मीर में शाम को, बाकी आपसे मिलते हैं कश्मीर में।
गाइस फाइनली हम एंटर हो चुके हैं JNK में। ये हमारा पहला टूल टैक्स है यहाँ पे। इसके बाद हमारा JNK अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा पूरा, हम अच्छे से एंटर हो जाएंगे JNK के अंदर। बाकी मिलते हैं आपसे गंदे तरीके से। आप देख सकते हो रीरूटिंग भी हो रहा है, तो कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। हमने थोड़ा पूछा भी कि जम्मू किस साइड है, क्योंकि गूगल मैप्स कहीं और को दिखा रहा था। मैप्स तो चल रहे थे पर वहाँ के लिए रास्ता ही नहीं था, पूरा बैरिकेड लगे हुए थे। और अब हमने पूछा है तो उन्होंने बोला है कि सीधा यही रास्ता जाएगा जम्मू के लिए। अब देखते हैं आगे जाके कहाँ पहुँचते। 7 बज चुके हैं, सुबह के चले हुए हैं। सुबह के 8 बजे से हम कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। अब देखते हैं जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ पे देखते हैं अब कैसा बनता है, क्योंकि सिग्नल नहीं है फोनों में, फोनों पर चल तो रहे नहीं है। और रात भी होगी, रात में सेफ नहीं है गाड़ी चलाना। अब देखते हैं दूसरी की स्टेट में ऐसा होता है या दूसरों की। बाकी जम्मू जाके आपको देते हैं अपडेट आगे क्या होता है। बाकी मिलते हैं आपसे जम्मू में। तो अभी हम चाय पीने रुके हुए हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो एक कैटेगरी के लोग कैसा एंजॉय करते हैं एक साथ। और उसे देखो कुत्ते के लिए लिए थे बिस्कुट और अपने मुंह में डाल चुका है। भाई इसको खिलाओ यार, खुद ना खाओ। पूरा पैकेट खिला दिया भाई इसको। पूरा कहाँ का है इसके मुंह में देखा, अभी 3 है यार। ये देखो मुकुल मुकुल भाई, अरे देख सकते हो आप भाई। सारे तो खुद खा लिए, अब खाली पैकेट फेंक रहे भाई। कूड़ा ना फैला यार, देखते उठा रहा हूँ यार भाई। इसकी जेब में डाल, इसकी जेब में डाल, जेब में डाल, हाँ डस्टबिन में डाल क्या उसको, इडियट। तो गाइस आप जहाँ भी जाओ ट्रैवलिंग पे, मेरा आपसे ये है कि हर जगह कूड़ा मत फैलाओ। हाँ कूड़ा मत फैलाओ, अपनी गाड़ी में भरो और अपने डस्टबिन में डालो। और ये दोनों भाई जा रहे हैं कहीं घूमने, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। तो हम यहाँ श्रीनगर वाले हाईवे में थे, तो यहाँ पे एक टनल आई है जो कम से कम 9 किलोमीटर लंबी है, और इस टनल के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था अभी तक। हम इसमें कम से कम 15-20 मिनट से चले हुए हैं और अभी भी चले हुए ही हैं। तो और ये सोचने वाली बात है कि अभी तक ये मतलब किसी ने ना ये सोशल मीडिया पे आई है ना ये कुछ है, और ये श्रीनगर वाले हाईवे में ये टनल, और काफ़ी अच्छी है अंदर से लाइटिंग वगैरह सब कुछ। लंबे भी तो काफ़ी हुई, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है अंदर, 31 डिग्री के आसपास है, और बाहर था 17-18 डिग्री। तो काफ़ी लंबी टनल है और काफ़ी अच्छी टनल है, शायद ही किसी ने बताया हो अपने ब्लॉग में इस टनल के बारे में। और काफ़ी अच्छी टनल बता रहे हैं आप, आगे से आगे से शेयर करें। हाँ और यहाँ पे आए हो यार, इस टनल को एक्सप्लोर करो, काफ़ी लंबी टनल है। सो मिलते हैं गाइस फिर आपसे आगे, आगे मिलते हैं और आपको कुछ बताते हैं फिर। तो अभी हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, पहुंचने तो क्या है अभी तो काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है दो ट्रकों के बीच टोल प्लाजा में कि कौन आगे जाएगा। तो काफ़ी देर से हम रेस देख रहे थे, तो सोचा आपको भी दिखा दें इनको कॉम्पिटिशन। अरे आर्मी के न्यू ट्रक है शायद, जो कि कश्मीर जा रहे हैं लगता वैसे ही रहे, आर्मी की ट्रक है शायद। और ये देखो कंपटीशन चला हुआ है इन दोनों के बीच, पता नहीं कौन जीतेगा। एक आदमी शायद बजा दे तभी मज़ा आए।
लेफ्ट वाला शायद जीत जाए, लेफ्ट वाला है पंजाब का और पंजाब और एक है हमारे यूपी के भैया, देखते हैं कौन जीता है। अब उसने हाथ दिखा दिया उसे कि रुक जा भाई, और इसी के साथ पंजाब विंस। चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर आगे, थोड़ी देर बाद, सॉरी भाई बहनों, अब कुछ मुंह से और कुछ ही निकल रहा है। चलो वो हम भी पंजाब वाले के पीछे श्रीनगर के लिए, बाकी आपको मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, तो काफ़ी ट्रैफिक के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने रूम ले लिया है। रूम हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम कहाँ रुके हैं, पर हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर। तो इसी के साथ हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, और प्लीज़ इस ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नहीं करो तो बुला रहा हूँ।